दोस्तों हम कक्षा 9th की मैथ पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली है आपकी 2.2 के हम सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल हम पढ़ते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात करो। मतलब जो जो अपने से पूछा जाए वो ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। तो सिंपल सा दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ आपको, x बराबर 0 रखना, जहाँ पर x है ना उस जगह पर आपको 0 रख देना है। तो ये पूरी की पूरी समीकरण आपके सामने नज़र आ रही है। 5x तो x की जगह पर 0 रख दिया यहाँ पर, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर 4 है तो 4 लगा दिया, फिर x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर और प्लस 3। आपको पता है कि 0 का गुणा 0 ही होता है और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो गया यहाँ पर, तो खाली 3 बचा है। इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पर कि 3 आपका आंसर आता है। दूसरा सवाल है, इसमें कहा गया है कि x बराबर -1 रखना है। तो -1 रखना है तो सिंपल सी बात है, x की जगह पर -1 रख देंगे। तो 5-1 है ना, ये क्वेश्चन में लिख दिया, फिर माइनस सवाल का, फिर 4 सवाल का और -1 यानी कि x है यहाँ पर, x का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर और 3, ठीक है। फिर करते हैं हम -1 से गुणा करते हैं 5 को, तो ये -5 आता है, फिर माइनस सवाल का है, फिर 1 का स्क्वायर यानी कि -1 का गुणा -1 से करते हो तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, इसलिए +1 आया। और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 × 1 = 4 और +3, तो यानी कि ये 5 और 4 तो माइनस के हो गए, तो ये तो 9 हो गया माइनस का और 3 हो गया प्लस का। तो यहाँ से हम करेंगे माइनस के 9 में से प्लस का 3 बाकी निकालेंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है हमेशा, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर और ये 6 आ जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल करते हैं इसी का, इसमें कहा गया है कि x बराबर 2 रखो। अब अपने को क्या करना है कि समीकरण तो वही है, बस x की जगह पर 2 रखना है। तो मैंने रखा 5x की जगह पर 2 रख दिया, माइनस 4 और x की जगह पर मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 3। 5 को 2 से गुणा करो 10 आता है, 4 को 2 के स्क्वायर से गुणा करना, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, तो 4 का 4 से गुणा 16 और प्लस का 3 चली रहा, तो 10-16+3 है ये। अब देखो प्लस वाले को अलग से जोड़ लो, आपको पता है कि 10 और 3 ये तो 13 हो गया, और फिर माइनस का 16, आपको पता है माइनस के 16 में से 13 जा रहा है इसलिए माइनस का 3 आंसर बन रहा है। इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से बड़े ही इसको आंसर कर लेंगे। इसका दूसरा